फिर भारत सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि BBSPU जौनपुर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, BA BSc BCOM, MA MNC MCOM एग्ज़ाम 2023 सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे। क्या है पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपके यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टाइम टेबल नया वाला भी अपलोड है, आप उसको जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार आप सभी छात्रों को एग्ज़ाम देने जाना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो देखना है तभी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि जितने भी कॉलेज हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि सत्र 23-24 की स्नातक प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर सप्तम, नवम सेमेस्टर परीक्षाओं के फॉर्म सत्यापित एवं विश्वविद्यालय खाते में शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 22/11/2023 निर्धारित थी। ये आप सभी छात्रों को पता होगा, लेकिन माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 29/11/2023 के अनुपालन में छात्र हित में फॉर्म सत्यापित एवं शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 30/11 तक इस शर्त के साथ विस्तारित की जाती है कि दिनांक 30/11/2023 को जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा उनके यदि किसी प्रश्न पत्र विषय की परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो वे उस प्रश्न पत्र विषय की आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिन छात्रों ने एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर लिया था, कॉलेज में जमा नहीं किया है, या जिन्होंने जमा किया उनके कॉलेज वाले ने वेरीफाइड नहीं किया, तो ऐसे सभी छात्र जल्द से जल्द अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे और अपने कॉलेज से पता कर लेंगे। आज आखिरी मौका है, एक मौका और दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 30 तारीख तक सभी का वेरीफाइड कर लेना है जिनका भी वेरीफाइड नहीं हुआ है। हालांकि एक शर्त ये रखा गया है कि जैसे देखिए परीक्षाएँ आपकी 28 तारीख से शुरू हुई थी तो परीक्षाएँ आपकी चल रही हैं कंटिन्यू, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि परीक्षा जो हो चुकी है, जैसे 28 की परीक्षा हो चुकी और 29 को हो चुकी, तो इन दो दिनों में जिसका भी पेपर छूट गया है, ऐसे छात्र जिनका कि एडमिट कार्ड नहीं आया परीक्षा फॉर्म वेरीफाइड होने की वजह से और उनका 28-29 को कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा था और छूट गया लेकिन अब उनका वेरीफाइड होगा, तो ऐसे छात्रों की जो परीक्षाएं छूटी रहेंगी वे जो आगामी विषम सेमेस्टर आएगा, क्योंकि विषम सेमेस्टर चल रहा है तो आगामी विषम सेमेस्टर में परीक्षाएं उनकी बैक पेपर के रूप में ले ली जाएंगी जो छूटी हुई हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बता दूं किसी की कोई परीक्षाएं स्थगित वगैरह नहीं हैं, सभी छात्र जा कर के अपना एग्ज़ाम 2023 वाला देंगे, जैसे टाइम टेबल में दिया हुआ है वैसे एग्ज़ाम देने जाना है, कोई बदलाव नहीं है किसी भी एग्ज़ाम डेट में। ये जो था जिनका परीक्षा फॉर्म छूटा वगैरह था उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए एक अपडेट है उसके बारे में बता दिया, लेकिन परीक्षाएं जैसे चल रही वैसे चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।